तो महाकाल लोक दर्शन के लिए सुसज्जित हो चुका है, जिसकी दिव्यता और भव्यता देखते ही बनती है। इसकी सुगमता और सौरम्यता को देखकर भक्त अभिभूत होते हैं और भोले बाबा के भक्तों के मन में ये छटा पूरी तरह से रच बस गई है। प्रधानमंत्री जी के हाथों से लोकार्पण होगा। मेरी आपसे अपील है कि इस पल के साक्षी बने। बाबा महाकालेश्वर के भक्तों के लिए 11 अक्टूबर इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में अंकित होने जा रहा है और एक त्योहार के रूप में शुभारंभ होने जा रहा है। इसकी एक विशेषता ये भी है कि भव्य और दिव्य महाकाल कॉरिडोर को महाकाल लोक के नाम से जाना जाएगा। पहले चरण को पूरी तरह से सुसज्जित करने में करीब 350 करोड़ रुपयों की लागत आई है। महाकाल कॉरिडोर को इतने खूबसूरत अंदाज में और भव्य तरीके से डिजाइन किया गया है कि दिन हो या रात इसकी सुंदर और अलौकिक छटा देखते ही बनती है। मंदिर के बाहर प्रांगण में श्री महाकाल लोक का निर्माण हुआ है, जब भगवान शिव की लीलाओं को अलग अलग ढंग से दिखाया गया है, दर्शित किया गया है। महाकाल लोक के अंदर पत्थरों पर बेहतरीन नक्काशी की गई है। इसके साथ ही परिसर में भोलेनाथ की सभी रूपों में प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। बाबा महाकालेश्वर मंदिर परिसर की सुंदरता और भी ज्यादा बढ़ गई है। इसके अंदर देश का पहला नाइट गार्डन भी बनाया गया है। यहाँ की दीवारों पर देश की सबसे बड़ी नक्काशी की गई है। जिन पत्थरों से राम मंदिर बनाया जा रहा है, उन्हीं से यहाँ की दीवारों पर 132 फीट लंबे म्यूरल यानी कि भित्ति चित्र बनाए गए हैं, जो कि किसी एक विषय पर बनाए गए देश में सबसे लंबे म्यूरल हैं। यहाँ पर 108 पिलर और 200 मूर्तियां हैं। महाकाल लोक से सटा हुआ रुद्र सागर तालाब भी 8 महीने में निखर उठा है। पहले चरण के लोकार्पण में शामिल होने के लिए घर घर में पीले चावल देकर बाबा के भक्त जनों को आमंत्रित किया गया है। 11 अक्टूबर को प्रधानमंत्री इंदौर में प्लेन से उतरने के बाद हेलीकॉप्टर से उज्जैन पहुंचेंगे। यहां से शाम 6 बजे महाकाल मंदिर पहुंचेंगे। मंदिर में दर्शन के बाद महाकाल लोक के नंदी द्वार पर शाम 6:30 पर पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री महाकाल लोक का लोकार्पण अमृत सिद्धि योग में करेंगे। शाम 6:30 पर अश्वनी नक्षत्र होने से विशेष योग बन रहा है, इसे विशेष फलदायी माना जा रहा है। 6 बजे सीधे प्रधानमंत्री जी जुड़ जाएंगे तो हम उस कार्यक्रम से सीधे जुड़ जाएं। मध्य प्रदेश के लिए बहुत गर्व आनंद और प्रसन्नता का विषय है कि हम श्री उन्हीं की कृपा से श्री महाकाल लोक का निर्माण कर पाए हैं। यहाँ पूजा अर्चना कर प्रधानमंत्री इलेक्ट्रिक गाड़ी से महाकाल पथ देखेंगे। इसके बाद कार्तिक मेला ग्राउंड पर सभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री की सभा 8 बजे तक चल सकती है, क्योंकि उज्जैन से रात में हेलीकॉप्टर टेक ऑफ की फैसिलिटी नहीं है। ऐसे में प्रधानमंत्री सड़क मार्ग से इंदौर पहुंचेंगे और फिर यहां से दिल्ली के लिए उड़ान भर लेंगे। तुंग